नमस्कार, नवहर टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। राजधानी रांची की पांच प्रमुख गतिविधियां इस तरह रही। राज्य में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नियुक्ति पत्र सौंपा। जेपीएससी के अनुशंसा पर कृषि सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद पर 129 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। करने के बाद पूरे दुनिया में एक वैश्विक महामारी आई। कोरोना के संक्रमण काल से मुझे नहीं लगता कि कोई अछूता रहा होगा, कोई छूटा होगा, और शायद ही कोई ऐसा प्रतिष्ठान है जो कोरोना से प्रभावित नहीं रहा हो। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और जहां शायद कुछ हद तक सही भी है कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां इस वैश्विक महामारी में आम लोगों को राहत देने का अनवरत प्रयास चलता रहा। उदयपुर में पिछले महीने कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय को झारखंड की धरती पर कैसे उतारा जाए, इस विषय को लेकर राज्य में आज से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे की उपस्थिति में इस कार्यशाला में पार्टी के तमाम पदाधिकारी, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। राज्य सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सरकार में शामिल पांच मंत्रियों की कथित आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच एसीबी से कराने का निर्णय लिया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इसे बदले की भावना से प्रेरित कदम करा दिया है। जिस तरह से ईडी की भी कार्रवाई चल रही है, अधिकारी पकड़े गए, पैसों की बरामदगी हुई, राज्य सरकार के नाक के नीचे जिस तरह से कोयला बालू की तस्करी हो रही है, ये सारी चीजें यह बताने के लिए काफी है कि राज्य सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। उसका मकसद दूसरा है, विकास तो हो लेकिन राज्य का नहीं, अपने कुंबे का हो, परिवार का हो, स्वयं का हो, इनका ये एजेंडा है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री दबाव में थे, अपने सहयोगियों के दबाव में थे, और ये बदले की कार्रवाई है, इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कह सकते हैं आप, कि आज 2.5 वर्षों के बाद इनको यह याद आया कि भाजपा के पूर्व मंत्रियों का आय जो है एक कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल के बीच अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। उनको यह बताना चाहिए कि आखिर 2.5 साल का कार्यकाल निकलने के बाद ही उनको इन चीजों की याद क्यों आई। राज्य में पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के तहत डाले गए वोटों की गिनती का कार्य आज दूसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे चरण में 24 मई को 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान हुआ था, वहीं चौथे चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों में वोट डाले गए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद हुई बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान में अगले 4 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। और बात करें मानसून की स्थिति की, तो मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल बताई जा रही हैं, और नॉर्थ बंगाल की खाड़ी में उसका अप्रोच हो रहा है, और आने वाले 2-3 दिनों में और वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी घुसेंगे, साथ साथ में सिक्किम और इधर में भी उनका आगमन होगा। और झारखंड में भी अभी भी स्थिति जो सामान्य है वो बताई जा रही है कि सामान्य टाइम में ही मौसम का आगमन झारखंड में देखने को मिलेगा। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय जो हवा की गति है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकती है। और तापमान की बात करें तो तापमान में कोई बड़ा बदलाव अभी देखने को नहीं मिलेगा, और क्योंकि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स कुछ कुछ जगह पर देख रहे हैं तो तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, मॉइस्चर एटमोसफेयर में है, और बंगाल की खाड़ी से भी कुछ नमी हवाएँ आ रही हैं, तो आपको उमस की वजह से थोड़ी गर्मी फील हो सकती है। रात का भी तापमान, न्यूनतम तापमान थोड़ा सा रात में भी बड़ा दिख सकता है। नवहर टाइम्स ऑनलाइन के लिए रांची से मैं रवि सिन्हा।